गाइस, खाता हूँ 2 किलो बकरा। मेरा नाम है ऑस्टिन लाकरा। तो गाइस, आज हमारा डे वन है वाइजेक का, वाइजेक ट्रिप। आज हम लोग कवर करेंगे मंदिर कवर करेंगे और यारहता बीच कवर करेंगे। गाइस, 4 पॉइंट टोटल करना है कवर। और अभी हम लोग निकल चुके हैं। निकिता कंवर, रूपेश कंवर, यशवंत कंवर, ऑस्टिन कंवर और सरिता कंवर और हरी कंवर और फलना फलना सब कंवर। तो गाइस, अभी कवर करने के लिए निकल चुके हैं। गाइस, हमारे भैया हैं काफी अच्छे, शानदार ड्राइवर है, बहुत खतरनाक तरीके से भी चला रहे हैं गाइस। और यहाँ की मतलब वाइजेक में यहाँ की भाई सुंदरता देखते ही बन रहा है गाइस। पेड़ पौधे, लोग, पशु पक्षी सब कुछ बेहतरीन दिखाई दे रहे हैं गाइस। बहुत ही मजा आ रहा है। बाकी बात हम लोग जहाँ भी जा रहे हैं वहाँ लेके अब दिखाएंगे आपको, क्योंकि पूरा सारा कुछ मैं यहाँ पे दिखाऊंगा तो फिर आपको समझ में नहीं आएगा ना, इसलिए चलिए गाइस सीधा पॉइंट पे जाके दिखाते हैं। ओके, थैंक यू सो मच। गुलाब जैसन खिलल बाड़ू, तो गाइस फाइनली हम लोग पहुंच गए हैं। यहाँ पे मंदिर है, देख सकते हो भाई साहब, काफी सुंदर नजारे हैं भाई। पहाड़ के ऊपर से नीचे से होके आए हैं एकदम। यहाँ पे कुछ तो दिख नहीं रहा है गाइस, अभी ऊपर पूरा चढ़ना पड़ेगा हमको। गाइस काफी ऊपर हम लोगों ने चढ़ा हुआ है गाइस, और काफी मजा आ रहा है यहाँ पर एक्चुअली में। और भैया निकले बिहारी और भोजपुरिया गाना गुलाब जैसन खिलल बाड़ू वाला लगा के तो मजा ही आ गया गाइस। गाइस तो ये देख सकते हो हम लोग इसी मंदिर पे आ रहे हैं, काफी सुंदर दिख रहा है गाइस। फाइनली निकी गई थी मंदिर, ठीक है, बाकी सभी लोग गए थे सीमाचलम टेम्पल है ये, यहाँ पे हम लोग आए हैं। और ये काफी सुंदर है, काफी मनमोहक है गाइस, काफी बहुत अच्छे दृश्य हैं, मतलब मजा ही आ गया गाइस। तो फिर बहुत ही सुंदर लगा। और जैसे कि आप लोग देख सकते हो ये गार्डन ऑफ एडन, यहाँ से आप परचेज कर सकते हैं आप अपनी ज्वेलरी गाइस। काफी सुंदर देख सकते हो, एकदम मेरे में चमक रहा है गाइस। ये पैड प्रमोशन है, एडवर्टाइजमेंट है गाइस। एंड हाँ, देख सकते हैं गाइस ये भी ज्वेलरी, मतलब काफी शानदार। गार्डन ऑफ एडन दिल जीत लेता है भाई साहब, मतलब कभी भी अगर आपकी गर्लफ्रेंड हो, आपके बॉयफ्रेंड हो, तो ये वाला आप जरूर दें अपने गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड को। मैं सच में कहूंगा आपका रिश्ता युग तक बने रहेगा, शादी हो जाएगा। और यहाँ पे देख सकते हैं काजल को मिला है, इसको क्या बोलते हैं, वेनी का गजरा गाइस। इंग्लिश में वेनी बोलते हैं गाइस, फ्लोरिकल्चर का लड़का ज्यादा अच्छे से बोल पा रहे हैं गाइस। और यहाँ पर काफी ज्यादा फोटोशूट चल रहा है, मतलब काजल साड़ी पहन के आई है, चलती फिरती वनीला आइसक्रीम लग रही है गाइस। और हेलो गाइस, तो अभी हम लोग सीमाचलम टेम्पल आए थे और यहाँ पर काफी अच्छा लगा, मतलब काफी सुंदर मंदिर है। और यहाँ की हर एक चीजें काफी खूबसूरत है, यहाँ पे लोग खूबसूरत है, यहाँ पे जगह खूबसूरत है, हर एक चीजें काफी ज्यादा खूबसूरत है। और हरी लोग गए थे अंदर, उन लोगों को होके आया मंदिर तक, मैं नहीं जा पाया किसी कारणवश, ठीक है, क्योंकि गाइस बहुत ज्यादा भूख लग रहा था, मैं चलने के हाल में बिल्कुल भी नहीं था गाइस। बट मैं मिस कर काफी मनमोहक है गाइस, आप लोग भी करते हैं तो फिर यहाँ पे विजिट जरूर करें गाइस। धन्यवाद गाइस। देख सकते हो सभी लोग थक के कैसे हो गए हैं गाइस। और अभी हम लोग आए हैं यहाँ पे खाना खाने गाइस। फाइनली हम लोग खाना वाना खाया, पेट भर लिए, ठीक है। इसके बाद आ गए हैं ये देखने, व्यू देखो गाइस, कितना बड़ा बड़ा पानी का जहाज गाइस। सरिता तो बोल रही है कि इसी में श्रीलंका जाते हैं, तो श्रीलंका नहीं जाते हैं गाइस, मैं ये बताना चाहती हूँ। ये पोर्ट है, यू नो, सामान का आदान प्रदान करते हैं, मान लो इस देश से उस देश से कहीं से ला के सामान यहाँ पटकते हैं, वहाँ पटकते हैं। तो देख सकते हो जहाँ से आसमान का छोर है गाइस, वहाँ तक पानी है, मतलब आसमान सटा हुआ है ऐसा लग रहा है पानी में, बहुत ही खतरनाक है दोस्तों। देख सकते हो भाई, पहली बार जिंदगी में मूवी में देखा था ये, पहली बार रियल में देखने को मिल रहा है गाइस, काफी मजा आ रहा है। और एंजॉय करते हैं गाइस ऐसे ही गाइस, और मेरे साथ बने रहिए दी ऑस्टिन लाकरा के साथ, खाते रहिए बकरा। ओके भाई, जय हिंद दोस्तों। तो गाइस ये जो देख रहे हो ना, बहुत बड़ा बड़ा, बाप दादा कभी नहीं देखे थे, मैं पहली बार हूँ देखने वाला। हाँ, काफी सुंदर दिख रहा है गाइस। गाइस ये दिन का नाम है सरिता, ये वाला का, ये खूबसूरत दिख रही है, इसका नाम गीतांजलि है, उसका नाम सरिता है, वो भी खूबसूरत है, ये भी खूबसूरत है, वो भी खूबसूरत है साड़ी वाली। और तो सरिता उधर देख के बोल रहे है, ओ दे बड़ा बड़ा नाव, बड़ा बड़ा नाव कर रही है। तो गाइस मैं बताना चाहता हूँ सरिता को, सरिता ये नाव नहीं है, पानी जहाज है रे, पानी जहाज है। हेलो गाइस, तो फाइनली पहुंच गए हैं लाइट हाउस। तो लाइट हाउस में अभी लाइट मारेंगे गाइस काफी ज्यादा, और काफी मजा आने वाले हैं गाइस। तो फिर अभी चलिए लाइट हाउस में दिखाते हैं, मैं तो पहली बार देखने आया हूँ गाइस इसको।
हेलो गाइस, तो फिर हम लोग नवीन नाग के साथ हैं अभी, और काफी ज्यादा रोस्ट कर दिया था मैं, तो हाथ पकड़ के क्षमा मांगता हूँ नवीन नाग से। तो क्षमा कर दे भाई। नो ब्रो, प्लीज क्षमा कर दे नवीन। क्या किया तूने? कुछ नहीं किया। कुछ नहीं किया ना, तो बस ऐसे ही भाईचारा बना रहे, भाईचारा ऑन टॉप है ना, भाईचारा ऑन जस्टिन। हाँ ठीक है, तो हमारा भाईचारा ऑन टॉप हो गया है गाइस, भाईचारा बनी रहे। भाई साहब वहाँ पे आदमी लोग चढ़े हैं, और यहाँ से पूरा देख सकते हो भाई साहब समुद्र। गाइस ये जो दिख रहे हैं नीला नीला ना, ये पूरा पानी है, और थोड़ा सा कम नीला दिख रहा होगा वो स्काई है गाइस, आसमान है। तो बड़ा ही खतरनाक है ये जगह, ये जूम कर दिया, अब दिख रहा है ना पानी जहाज गाइस, कितना खतरनाक खतरनाक है ये। थोड़ा स्टेबिलिटी कम है इसलिए, बाकी सब देखो गाइस काफी खतरनाक। ये सारे लोग यहाँ पर देख सकते हो चढ़ के, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, यह मतलब व्यू पॉइंट है, यहाँ पे चढ़ के लोग देखते हैं। इधर पूरा नेवी का पूरा समुद्र वगैरह, पानी वगैरह। ये है डॉल्फिन नोस लाइट हाउस, मतलब डॉल्फिन का नाक वाला लाइट हाउस। तो हम लोग अभी घुस रहे हैं डॉल्फिन नोस लाइट हाउस में, मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग डॉल्फिन नोस लाइट हाउस। तो चलो अंदर चलते हैं हम लोग, है गाइस, देख सकते हो कितना हवा चल रही है, तेज हवा के झोंके और समुद्र का किनारा। गाइस पतले लोगों से कहूंगा कि वो लोग किनारे ना रहे, नहीं तो उड़ के नीचे गिर सकते हैं। गाइस लाल दुपट्टा बस ऐसे ही हवा से उड़ जाता है गाइस। भाई मेरे को ढकेल रहा है, हवा ढकेल रहा है भाई, ज्यादा हवा चल रहा है आप जैसे कि देख सकते हो। और ये लाइट हाउस का हमारा सेकंड लास्ट है, इसके बाद 11 बीच जाएंगे, इसके बाद आज का पूरा कवर हो जाएगा गाइस। और काफी तेज हवाएं चल रही हैं, हवा के झोंके बहुत ही खतरनाक है भाई, कयामत से कयामत ढा रहा है, जिसकी वजह से मुझे रोका जा रहा है थोड़ा सा पीछे हटने के लिए, क्योंकि मैं हवा के झोंकों से उड़ जाऊंगा गाइस और समुद्र में जाके गिर सकता हूँ। सो दैट्स द रीजन आई एम आउट। सो ओके बाय। तो अभी लाइट हाउस से अपन निकल चुके हैं और सीधा चल रहे हैं यारादा बीच, यारादा बीच में जाके फोटो खिंचाएंगे और कुछ कुछ चीजें और भी करेंगे, काफी शानदार ब्लॉग बनाएंगे गाइस, और आज का ब्लॉग यहीं पे एंड भी करेंगे गाइस। ओके तो चलिए चलते हैं बिना किसी देरी के। थैंक यू सो मच एंड वेलकम टू स्कूल प्लीज ग्रैंड मली बोके बाय जय। ओ भाई साहब इतना बड़े बड़े पहाड़ ये तो गायब। हेलो गाइस, तो फाइनली गाइस मैं कहां पहुंच गया गाइस, आपको भी मैं दिखाऊं गाइस, सब लोग देखने के लिए रेडी हो, तैयार हो गाइस? तो लीजिए मैं आपको दिखाता हूं अभी गाइस कहां हूं मैं। ये यारादा बीच में हूं गाइस अभी मैं, और ये बहुत ही खतरनाक दिख रहा है, देख सकते हो भाई साहब लोग पैरों में बालू हैं, है ना निकिता, मजा आ रहा है? ये भाई साहब बीच, यारादा बीच भाई साहब इसको बोलते हैं। ये भाई साहब इतना लंबा देख सको गाइस, ये देखिए थसा गए पानी में गाइस, गिर गए अबे साला। ए भाई साहब ये गाइस। हेलो गाइस, तो फाइनली गाइस जिसका हमें इंतजार था गाइस बहुत देर से, यारादा बीच आने का गाइस, और आए, और भाई साहब क्या खतरनाक है भाई साहब, समुद्र पहली बार देख रहा हूँ अपने जिंदगी में गाइस, और देख के मैं एकदम पूरा गाइस क्या ही बताऊँ भाई। ये हमारा पहला बीच है, इसके बाद और भी बीच जाएंगे जो काफ़ी इंजॉय करेंगे गाइस। आज देखो मैं मतलब जैसे गेटअप में था वैसे ही आ गए हैं, क्योंकि बाकी जगह जाएंगे गाइस तो वो काफ़ी ज़्यादा खतरनाक रहेगा, वहाँ पे दूसरा ड्रेस में जाएंगे, अभी तो सेम ड्रेस में पूरा घूम दिए ठीक है गाइस। तो फिर बाद में वहाँ चलेंगे ना गाइस, तो वो वाला बहुत खतरनाक होगा, वो मज़ा आएगा। और देख सकते हो इधर फोटोशूट चलना स्टार्ट हो गया हमारी दोस्तों का, तो भाई साहब बहुत ही खतरनाक चल रहा है भाई साहब, जो भी चल रहा है पानी धाएं से आ रहा है और इधर से भाएं से एकदम भाग रहे हैं गाइस, बड़ा खतरनाक नज़ारा है भाई, बहुत खतरनाक सीन है यार, सच में मज़ा आ गया एकदम, दिल को छो गया। बस इतना ही कहना चाहता हूँ दोस्तों, आप भी आइए यारादा बीच और घूमिए, पैसा वसूल कीजिए गाइस। ओके थैंक यू सो मच बाय।
तेरा वीडियो नहीं बना पाया, थोड़ा सा कैमरा काम करने में लेट हो गया। अरे अबे यार तू, अबे गाइस ये क्या हो गया मेरे साथ, गाइस क्या हो गया मेरे साथ, क्या हो गया गाइस, ये क्या हो रहा है भगवान, क्या खोज रहा है? इसमें वो है केकड़ा। तो दोस्तों याराडा बीच में काफी मजा आ रहा है, जैसे आप लोग देख सकते हो गाइस, लोग यहाँ पर भीगना चाहते हैं, तैरना चाहते हैं, बहुत ही खतरनाक आ रहे हैं भाई, हर एक चीजें देख सकते हो गाइस, बहुत ही शानदार पानी में भीगते हुए। और उधर का जो पहाड़ है भाई साहब वो बहुत मस्त है। हेलो दोस्तों, तो अभी हम लोग थे याराडा बीच में, तो फिर याराडा बीच का सफर आज का यहीं पे खत्म करेंगे दोस्तों। आज का जितना घूमना फिरना था सारे चीज हम खत्म कर चुके हैं, कल से नया जर्नी स्टार्ट करेंगे, कल को अराकू वैली वगैरह वगैरह कवर करेंगे जिसमें सब कुछ हम दिखाएंगे। तब तक के लिए हमारे साथ बने रहिए दोस्तों, आज का ब्लॉग यहीं पे खत्म करते हैं। अगर चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को मेरा गला समझ कर दबा दीजिएगा, ताकि गाइस ऐसे ही आपको मेरे नए वीडियोस आपके तक पहुंचते रहे और वाई जेड ट्रिप का फुल आनंद आपको मिलते रहे दोस्तों। ओके थैंक यू सो मच एंड वेलकम टू स्कूल। ओके दोस्तों जय हिंद।